ये देखिए गाइस, हमारे मुबारक आपा गए थे उमरा शरीफ, तो उमरा शरीफ से लेकर आए हैं ये इसका, और मुझे बहुत पसंद आया और मैंने पहन कर देखी तो आपके भाईजान को भी बहुत पसंद आया, तो मैं बोली चलिए मैं पहन कर देखती हूँ और ऐसे ही सब बच्चों को लूंगी मेरे डेली पहनने के लिए। इसके साथ ये टोपी भी है, बहुत अच्छा लेकर आए वो, ये देख सकती है टोपी है, लेकिन मैंने टोपी के साथ नहीं पहनी फिलहाल, अभी ऐसी ही पहनी, तो नमाज के टाइम पे पहनेंगे। नसीब में हमारे उमरा का स्कार्फ, अल्लाह यही दुआ है अल्लाह पाक सबको उमरा हज नसीब अता फरमाए, हज उमरा नसीब अल्लाह पाक सबको नसीब अता फरमाए, हर गरीब को हर मजदूरदार को हज उमरा नसीब अता फरमाए इंशाअल्लाह। यही दुआ है कि अल्लाह पाक हर किसी को उमरा पाक बुलाए मेरे नबी पाक अपने दर पे, और हम सब यही दुआ कर रहे हैं कि उमरा। यहाँ पर मैं टमाटर का सालन बना रही थी, सुबह हो गई, फिर रात में तो लहसुन वो छिलकर हो गया था, और स्कार्फ का भी आपको बता दी, फिर सुबह हो गई, सुबह होने के बाद मेरे को टमाटर का सालन बनाना था, उसके लिए मैंने टमाटर को अच्छे से गला कर ले ली हूँ, और जैसे ही टमाटर गल गए तो अंदर गोश्त डाल दी, फिर हरी मिर्ची ऊपर से डाली कि ताकि तेज़ ना लगे, तो अगर से जिसको तेज़ खाना है तो मिर्ची भी खा सकते थे गाइस। फिर ज्वारी की रोटी डाल दी, और यहाँ पर मैंने तहारी बना रही थी शाम में और चिकन की, तो अंदर से कांदा लाल कर दिया, अंदर गरम मसाला डाली, हरी मिर्च अक्खी डाली, खड़े मसाले अंदर अक्खे डाल दी। यहाँ पर बना रही हूँ मैं तहारी चिकन में, तो सारे मसाले ऐड कर दी, अब इसको कर दूंगी मिक्स अच्छे से, और इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छे से सिलो आँच पे पकने दूंगी, अच्छे से टेस्ट आएगा हमारे चिकन में भी, और मसाला भी अच्छे से भुना गया, देख सकते हैं आप बहुत ही बेहतरीन हमारा मसाला भुने गए वाला है माशाल्लाह, इसी अच्छी खुशबू आ रही ना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि मसाला पकने के लिए पूरा तेली है इसके अंदर, तो चलिए फिर 10 मिनट के बाद चावल धो के डाल देंगे। यहाँ पर हमारा चिकन में जो तहारी बन रही थी इसके अंदर मैंने चावल डाल दी हूँ, अब इस पर ढाप देती हूँ प्लेट और गैस को कर देती हूँ फास्ट, और यहाँ पर मैं बना रही काली चाय यानी कि ब्लैक चाय, तो ब्लैक चाय पीना था मुझे, दूध की नहीं पी रही, सुबह में मैंने 2-3 टाइम दूध की चाय पी थी, तो शक्कर हमारी ख़त्म हो गई, तो मैं डब्बे में डाल रही हूँ शक्कर, तो चाय बनाने के लिए मैं चाय चढ़ा दी, देखी तो शक्कर ही नहीं थी, फिर शक्कर अभी मेरे पास थी भर के रखी हुई थैलियों में, 5 किलो मंगाई थी तो अभी लास्ट थैली बची थी, तो अब इसके अंदर थोड़ी सी डाल दूंगी शक्कर, कितनी अच्छी शक्कर है देखो गाइस, यहाँ के दुकानों पे थी तो इतनी बारीक मिलती है, तो मोटी मोटी चीनी है, और यहाँ पर मेरा मन कर रहा था कि मैं काली चाय पीऊँ यानी कि ब्लैक चाय, तो इसको मैं गैस को चालू कर देती हूँ, ज़रा गरम गरम पीऊँगी, क्या पता नहीं क्यों मेरा 8 दिन से बहुत गला दुख रहा, लगता सर्दी से दर्द दे रहा हूँ, क्योंकि ठंडा पानी बहुत आ रहा है पीने में, किस लिए, क्योंकि गर्मी के दिन है, काले के दिन है, प्यास इतनी लग रही पीने पीने से ठंडा पानी, फिर भी मैं ज़्यादा ठंडा मिरिंडा ये वो नहीं पीती हूँ। आपके भाईजान कल लस्सी बनाए थे तो बोले थे लस्सी पी, तो मैं ली नहीं मैं नहीं पीऊँगी लस्सी, मेरा पहले ही गला बहुत दुख रहा, मेरा ऑपरेशन भी आला है गले का, तभी भी इतना नहीं दुखा था जो अभी दुख रहा, तो सोच रही काली चाय बनाकर गरम गरम चाय पीऊँगी, थोड़ा गले को आराम मिलेगा। तो यहाँ से मैंने छन्नी निकाल दी हूँ, छन्नी को रख दी गिलास में, और चाय उठेंगी तो पी लूँगी। चलिए गाइस, मैंने यहाँ पर दम दे दी, हम 5 मिनट के बाद देखेंगे अच्छे से दम हो जाएगा तो फिर खा। तो चलिए गाइस, यहाँ पर चने की दाल थी तो मशीन से इसको ग्राइंडर मशीन से मैंने इसको अच्छे से घोट कर ले ली हूँ, देख सकते हैं आप माशाल्लाह बहुत ही अच्छी घोटी गई। सुबह के बज रहे हैं 11 और यहाँ पर मैंने
मटन को उबाल कर ले ली हूँ। और यहाँ पर हम कौन सी भाजी बना रहे हैं आप सबको तो पता ही होगा, ये है भाजी अंबाड़े की खट्टी भाजी। पर मार्केट में गई तो एक ही पेंडी मिली मुझे, भाजी नहीं थी, और एक थी तो सड़ेली थी, तो मैंने नहीं ली, जो अच्छी थी उसको ले ली। और अच्छे से इसको मैंने तोड़ के चार पांच पानी से धोकर इसको मैंने उबालने के लिए रख दी, देख सकते आप। तो इसको उबालने के लिए रख दी तो अपन खट्टी खट्टी भाजी अच्छे ही बना के खाएंगे। देख सकते हैं गाइस, हमने लेकर आए परफ्यूम, तो लेडीज़ परफ्यूम है ये, देख सकते हैं चार है इसके अंदर। तो अभी इसको हमने खोलकर नहीं देखे, पैक है, अभी मैं इसको खोलकर देखूंगी कि कितनी अच्छी खुशबू है इसमें। तो चलिए गाइस, आज है मदर डे, तो मेरे बच्चों ने मुझे परफ्यूम दिए, तो मेरे चार बेटियों ने चार परफ्यूम दिए हैं, ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे परफ्यूम है। और जब मैं गांव जाऊंगी तो इसको लगाऊंगी, और जब मैं बाहर जाऊंगी तो जब इसको मैं लगाऊंगी। ये है सेनोरिटा वाला है, और ये डेट वाला, ये ग्लैम, और ये रोज, मतलब मैंने सही पढ़ी, तो अनपढ़ है क्या। तो चलिए गाइस, ये देख सकते हैं, अच्छा दिए ना मेरे बच्चों ने गिफ्ट। आपको मैंने परफ्यूम बताई कि हम लोग ने परफ्यूम भी लेकर आए हैं, लेकिन अभी तक इसको खोल कर नहीं देखे, ये देख सकते हैं, अब इसको खोल कर देखूंगी। लेकिन इसमें अल्कोहल है ना नौशीर? हाँ, अल्कोहल, मेरे को बोलने नहीं आता गाइस, अल्कोहल है ना, अल्कोहल है इसके अंदर। तो अभी मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रही हूँ, तो नहीं लगाऊंगी, सिर्फ ये बच्चे लोग लगाएंगे तो उनका देखूंगी कि कितनी अच्छी खुशबू है। तो मैंने लेकर आई अंबाड़े की भाजी, और अंबाड़े की भाजी बनेंगे, खट्टी खट्टी खाएंगे। और अभी से मेरा मुँह इतना खट्टा हो गया, मैं भाजी लाने गई थी तो खट्टी कैरी भी थी, तो कैरी लेकर आई, तो मैंने आधी कैरी खाई, आधी कैरी अलविरा को दे दी, अलविरा तू खा ले। तो अभी मटन तो उबल चुका है, भाजी गलने के लिए रख चुकी हूँ, और उसके बाद भाजी बना देंगे। रोटी चावल तो बन चुके हैं, अब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही हूँ, नमाज़ के बाद आपसे मिलती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर बताना। रात का ब्लॉग है, कल का ब्लॉग थोड़ा है बना हुआ, तो कल क्या बनाई थी अपने? दाल गोश्त बनाए थे, जो आपको दाल गोश्त का वीडियो देखने मिलेगा। तो दाल गोश्त के बाद आज संडे है, वो शनिचर का है, दाल गोश्त का आधा ब्लॉग, कल का आधा है, और आज का आधा मिलाकर मैं बनाकर आज ही छोड़ दूंगी संडे के दिन। तो आज बना रहे हम अंबाड़े की भाजी। तो आपको कैसी लगी, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, जो नए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइबर कर देना। देख सकते हैं गाइस, मेरी बेटी ने मेहंदी लगाई, तो ये उंगली पे जो मेहंदी लगाई है, जैसे ये पूरे पांच उंगली पे लगा रही थी, तो मैंने उसको कही कि नहीं मुझे बहुत नींद आ रही है, और पांच उंगली पे मत लगाना, सिर्फ एक ही उंगली पे लगा दिए बस। और सामने से मैंने नहीं लगाई मेहंदी, सामने से लगाने वाली थी, पर मेरे को अभी बहुत सर्दी हो गई, और मेरा गला इतना दुख रहा था, इतना कल दुख रहा था गाइस, बहुत बहुत दुख रहा था। तो मेरा गले का ऑपरेशन है हुए वाला, और क्या हुआ था मेरे गले को के थायराइड हुआ था, थायराइड की गांठ हुई थी, तो गांठ हुई थी तो हमने गांठ को निकाल दिए, ऑपरेशन कर दिए थे गले का। तो अभी अच्छा है, लेकिन मैंने ये धुक्का लेके गर्मी में बहुत ठंडा पी, और शरबत पी, ठंडा पानी पी, इसके लिए मेरा गला बहुत दुख रहा था, इतना दर्द हो रहा था, रात में तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, इतना मेरा गला दुख रहा था। तो फिर मैंने भेजाने बोले गर्म पानी पी, तो मेरे को ऐसा लग रहा था इतनी गर्मी है, फिर ऊपर से गर्म पानी पीऊँ, कुमकुमा जैसा गुनगुना गुनगुना रहता ना वैसा। कौन है? हाँ, कोई भी नहीं। तो गाइस, यहाँ तो इतना गर्मी हो रही थी, वैसा तो एसी है थी चालू, लेकिन एसी से मेरे को बहुत सर्दी हो जा रही, और मेरा गला दर्द हो रहा। तो मैंने क्या कि थोड़ा सा कूलिंग होने के बाद एसी को कर दी बंद, फिर ऊपर से कुमकुमा पानी पी, यानी कि अच्छा ही सेकता सेकता पानी, अंदर थोड़ा सा नमक डाली, और गरम गरम पानी कुमकुमा मैंने पी। पीने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और आराम भी लगा मुझे। तो अभी सोच रही हूँ वापस से एक गिलास गुनगुना पानी कर देती हूँ, पी के फिर नमाज़ पढ़ने को बैठ जाऊँगी, फिर उसके बाद आपको मिलूँगी।